हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी कैपेसिटर में कैसे स्टोर होती है, वो कौन से फॉर्म में होती है, वो चीज आज हम देखने वाले हैं, उसका फॉर्मूला भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, हमने जब कैपेसिटर पढ़ना स्टार्ट किया था तभी मैंने लिखा था कैपेसिटर की डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज इन इट। ठीक है, जब चार्ज स्टोर हो जाता है तो उसी के साथ साथ एक एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर के अंदर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चार्ज स्टोर है मतलब एनर्जी स्टोर है, जब हमको जरूरत पड़ेगी उसकी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं, और हमको मालूम है एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाला जाता है, हर बार पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन निकाल के उसको इक्वेट कर देते हैं हम कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी वही फंडा हमको यूज करना है, तो पहले वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन को ही बोल देंगे कि वो है हमारी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम कि कैपेसिटर जो था उसका फॉर्मूला। देखो, हम पढ़ देते हैं कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो आता था क्यू इज इक्वल टू सी बी, और उसके बाद में सी बनता था क्यू अपॉन बी। ठीक है, और ये जो C था, C क्या है हमारा कांस्टेंट, C क्या रहता है कांस्टेंट, Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल। ठीक है, एक डेफिनेशन थी, और आज जो हमें लगने वाला है नॉलेज वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उसको ढंग से समझना है। फॉर्मूला तो याद है, क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर। ठीक है, अभी इसमें से जो इतनी टर्म है जिसको मैं करता हूं राउंड, ये Q2 को हटा दो, बाकी का ये जो है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, उसको क्या बोलते हैं, वो है पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और इनटू क्या है Q2। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो जरूर देखना। ठीक है, उसका थोड़ा रिविजन हम कर लेते हैं यहाँ पे। क्या होता है, मान लो ये चार्ज मैंने Q1 रखा यहाँ पे, और उस चार्ज Q1 ने उसके अराउंड कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, और मुझे क्या करना है, Q2 चार्ज किसी इन्फिनिटी पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक लाने का है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस है R, जिस पॉइंट का डिस्टेंस है R, कहां से, Q1 से। तो ये Q1 क्या करता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इस पॉइंट पे उस फील्ड का कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे इस फील्ड का कुछ पोटेंशियल होगा, और उस पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। वोल्टेज के या फिर पोटेंशियल के फॉर्मूले में कौन है, Q1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल बना रहा है वो कौन बना रहा है, हमारा चार्ज Q1। ठीक है, और वहां पे हम जो चार्ज मूव कर रहे हैं, Q2 को मूव कराते हम यहाँ के लेके आएंगे, तो उसका फॉर्मूला बनता था पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होता है। इसको क्या लिखते हैं हम, पोटेंशियल, ऑलरेडी जो चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे उसने बनाया हुआ पोटेंशियल, इनटू जो चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो वाला चार्ज। ठीक है, ये आपको नॉलेज यहाँ पे जरूरी है, आपको फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर क्या होता है, हम बोलते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स होती है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। ठीक है, और ये अगर सिंगल कंडक्टर रहा तो इसका कैपेसिटेंस कम होता है, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए फिर हम क्या करते थे, दूसरी प्लेट लेके आते थे, और दूसरी प्लेट के इधर के साइड क्या बनता था, निगेटिव चार्ज बनता था इंडक्शन की वजह से, और इधर के साइड पॉजिटिव चार्ज बनता था। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो प्लेट है उसकी ये साइड क्या कर देती थी, हमने अर्थ कर दी थी, अर्थ करने की वजह से क्या होता था, ये पॉजिटिव निकल जाता था, अर्थ उसको खींच लेती थी, तो ऐसा हमारा कैपेसिटर बन जाता था। ठीक है, तो हम जब भी बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोल रहे थे कि कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, पॉजिटिव चार्ज दे दो, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट जो चार्ज करता है ना वो है इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव चार्ज। तो ये प्लेट जो है ये पॉजिटिव कैसे हो गई, तो ये प्लेट पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि हम जब इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हम कुछ काम करते हैं उस पे,
और वो काम होता है यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाना और इधर भेजना। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इससे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से निगेटिव कम हो जाएगा। निगेटिव कम हो जाएगा मतलब क्या, मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पे मैंने भेज दिया, तो यहां पे एक निगेटिव कम हो गया, मतलब वन प्लस आ गया, क्या हो गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन का कम होना ठीक है, उस पर क्या आ जाता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हट जाते हैं वहां से, उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाके बैठता है उस बॉडी पे निगेटिव आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो हमको काम वही करना है, कैपेसिटर को चार्ज करना है, मतलब क्या इस पे पॉजिटिव देना है, फिर से मतलब क्या यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर भेजना है, दूसरी प्लेट तक भेजना है ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा के दूसरी प्लेट तक भेजना आसान काम नहीं है ठीक है। पहला भेज दोगे, दूसरा भेज दोगे ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये जो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव बनेगी प्लेट, ये प्लेट अभी इसके प्लेट उससे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पे अभी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से एक बैटरी लगाते हैं, बाहर से एक बैटरी लगाते हैं, वो बैटरी क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन पे काम करती है ठीक है। ऐसा काम करती है कि ये जो पॉजिटिव अट्रैक्शन वाला फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन पे, उसके अगेंस्ट ये प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर रही है। ये बैटरी को काम करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन को किधर लेके जाए, उधर। किसके अगेंस्ट, इस पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्शन के अगेंस्ट उधर लेके जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मान लो यहाँ पे एक निगेटिव आ गया, दूसरा निगेटिव आ गया, तीसरा निगेटिव आ गया, फोर्थ फिफ्थ आ गया, उसके बाद में जब मैं सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भेजूंगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन से इधर भी चार्ज है निगेटिव, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो बैटरी है उसको सिर्फ एक फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं करना है, उसको सिर्फ इसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम नहीं करना है, उसको इसके रिपल्शन के अगेंस्ट भी काम करना है। क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये पॉजिटिव प्लेट किधर खींचेगी, अपने तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, उसको इधर ही खींचेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन पे टोटल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा, इस साइड में, और हमारी बैटरी को क्या काम करना है, उसको इस साइड भेजना है। तो ये बैटरी जो भी काम करती है, वो किया हुआ काम कभी जाया नहीं जाता ठीक है बोलते हैं, तो वो जो काम है इस बैटरी ने किया हुआ, वो काम इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये तो पढ़ा है हमने, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव एक फील्ड बन जाएगी। तो इस बैटरी ने जो कुछ काम किया है, वो काम इस दो प्लेट के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और उसी एनर्जी को हम बोल देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ठीक है। तो मैं करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उसके लिए वर्क डन, वर्क डन किसके लिए करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का स्टेटमेंट ध्यान में रखो, इट इज होता है, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है कूलम्ब फोर्स। ये यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। तो दोनों अपोजिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, बैटरी को काम करना है उस डायरेक्शन में ठीक है, इस तरह से। तो बैटरी जो भी काम करेगी ये फोर्सेस के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट, वो काम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ठीक है। ये तो हो गया उसका थ्योरी, अभी हम क्या करते हैं उसका फॉर्मूला ढूंढते हैं। मान लो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी, और ये सी क्या होता है, ये सी कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट। हमको इस कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस सी है उसको पूरा चार्ज करना है, मतलब उस पर कितना चार्ज डालना है, हमको क्यू डालना है ठीक है। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, मतलब उस पर पूरा चार्ज हम दे देंगे, तब उसके ऊपर कौन सा वोल्टेज आ जाएगा, कैपिटल वी जितना वोल्टेज आ जाएगा ठीक है। तो पूरा चार्ज जब होगा तब उस पर कितना पोटेंशियल होगा, वी जितना पोटेंशियल होगा, उसके बाद में वो चार्ज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, वो भी हमने पढ़ा है ठीक है। तो वो कैसे, मान लो कोई इंटरमीडिएट स्टेज है, मतलब चार्जिंग चल रही है, चार्जिंग अभी पूरी हुई नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेज मतलब क्या,
प्रोसेसिंग में, कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेसिंग में है, उसके अंदर एनर्जी स्टोरिंग चल रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, हमने उस पर अभी तक पूरा चार्ज क्यू नहीं दिया है, हमने कितना चार्ज दे दिया क्यू। अभी क्यू चार्ज देना मतलब यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे क्या माइनस क्यू, इतना चार्ज दे दिया है। उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनेगा, कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल बन गया वी जितना, छोटा वी है छोटा क्यू है, ठीक है। क्यू इतनी चार्ज की वजह से वी इतना पोटेंशियल बनेगा, कैपिटल की वजह से कैपिटल बनेगा और छोटे की वजह से छोटा पोटेंशियल बनेगा। अभी मान लो यहाँ पे कितना Q जितना निगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे Q जितना पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अभी क्या करना है, और Q हमें छोटा सा जो Q है मान लो DQ चार्ज, कौन सा चार्ज है DQ चार्ज, DQ जितना चार्ज मुझे यहां से यहां तक मूव करना है। तो अभी ये क्या करेंगे, यहाँ का जो ऑलरेडी Q चार्ज यहाँ पे बैठा है, वो Q चार्ज ने इसके आजू बाजू क्या बना के रखा होगा, पोटेंशियल बना के रखा होगा, ठीक है। तो Q चार्ज ने इधर पोटेंशियल बना के रखा होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू क्या Q, जो ऑलरेडी हम इस पे ट्रांसफर कर चुके हैं, तो ऑलरेडी जो यहां से यहां तक ट्रांसफर हो चुके हैं वो क्या बनाएंगे, अपनी फील्ड बनाएंगे। फील्ड का क्या होगा, उनके अपना उनका अपना क्या होगा, पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल, ठीक है। सारे चार्जेस का पोलैरिटी सेम है तो सारे चार्जेस के जो पोटेंशियल से वो डायरेक्ट एड हो जाएंगे और कुछ तो रिजल्टेंट पोटेंशियल बनेगा। मान लो हमको इस पॉइंट पे उसको लाने का है, इस पॉइंट पे जो ऑलरेडी क्यू जितना चार्ज इस पे ट्रांसफर हो चुका है उसने कितना पोटेंशियल बना दिया है, इतना पोटेंशियल बना देना है। और हम डी क्यू जितना छोटा सा चार्ज, डी क्यू जितना छोटा सा चार्ज मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्यू टू जितना चार्ज मूव कर रहे थे इस पॉइंट पे, वैसे ही यहाँ पे डी क्यू जितना चार्ज मूव करेंगे इस प्लेट पे, ठीक है। उस प्लेट पे ऑलरेडी इन्होंने पोटेंशियल बना के रखा होगा, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा उसके लिए, वर्क डन मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले वर्क डन के फॉर्म लिखते हैं। तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ऑलरेडी कितना चार्ज डाल चुके उधर क्यू, इनटू जो चार्ज मूव कर रहे हैं, कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं डी क्यू, तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू कितना है वी जितना, ठीक है, इनटू क्या डी क्यू, ठीक है। यहां तक यह है वर्क डन। अभी सुनो, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। क्यू जितना चार्ज जब स्टोर हो जाएगा तो वी जितना पोटेंशियल आ जाएगा, तो क्यू अपॉन वी ये भी सी होता है और सी कांस्टेंट होता है। मतलब क्या, ये रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है, अगर क्यू चेंज होगा तो वी चेंज होगा। तो हमारा क्यू जब छोटा क्यू है तो हमारा वी क्या है, छोटा वी है, लेकिन सी हमारा हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहां से मैं V कैसे लिख सकता हूं, Q बाय C, Q बाय C, तो मैं यहां पे लिख देता हूं V इज इक्वल टू Q बाय C dQ। क्यों ऐसा करा मैंने, देखो यहां पे dQ है, मतलब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ये तो पक्का हो गया। लेकिन इंटीग्रेट अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू Q कर रहा हूं तो यहां पे Q वाली कुछ टर्म चाहिए, तो मैंने क्या करा, इस V को Q के टर्म में लिख दिया, Q अपॉन C, कहां से, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से, ठीक है। इसको अभी ये जो वर्क है ये क्या है, छोटा सा वर्क है। अभी छोटा वर्क क्यों है, क्योंकि हमने छोटा चार्ज ट्रांसफर करा है, हमको छोटा चार्ज नहीं, हमको बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर करना है। हमको कितना चार्ज ट्रांसफर करना है, इतना, कितना करना है, इतना। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन जब निकालेंगे तो छोटे से चार्ज के लेंगे पूरे के लिए, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे वर्क को सम कर दिया, पहले डी क्यू के लिए दूसरा डी क्यू, ऐसे हजार डी क्यू भरना है हमको, करोड़ डी क्यू भरने हैं, तो उनकी सारी के समेशन मतलब इंटीग्रेशन डी क्यू इज विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो लिमिट किसके लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे क्यू की। पहले डिस्चार्ज जब रहेगा कैपेसिटर तो जीरो चार्ज, और फुल जब चार्जिंग कर देंगे तो उस पर कितना चार्ज रहेगा, कैपिटल क्यू जितना। और ये लिख देते हैं डी क्यू क्या है, ये पूरा है, डी क्यू क्या है क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू, सॉरी डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू है ये पूरा, DW है ये पूरा, तो DW की जगह पे पूरा डाल दिया, तो ये हो जाएगा कैपिटल W। ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो 1/C बाहर निकाल दिया, जीरो से लेके Q तक Q dQ। अभी हमको फॉर्मूला मालूम है, ये वाला इंटीग्रेशन x2n dx इज इक्वल टू x2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
यहाँ पे एक्स की जगह पे क्यू है और एन की जगह पे वन है, कुछ नहीं मतलब वन है, तो क्यू रेस टू वन प्लस वन हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन, एन की जगह पे वन है, वन प्लस वन और लिमिट जीरो से देखे क्यू तक, बस पहले अपर लिमिट डालेंगे माइनस नीचे लोअर लिमिट, तो टोटल लॉगरिथम क्या हो जाएगा वन अपॉन सी एज इट इज, पहले अपर लिमिट डाला मैंने क्यू स्क्वायर बाय टू, नीचे का लिमिट डालेंगे तो जीरो, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी ऐसा बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाय सी और ये हाफ, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा वर्क डन, मतलब ही क्या वर्क डन मतलब ही एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो बस कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जाओ, क्या है फॉर्मूला वो लिखते हैं, ये हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी मिला है, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा देखो यहां से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वी, तो इसमें क्यू इज इक्वल टू सी वी डाल देते हैं तो क्या जाएगा हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि क्यू का स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर मतलब सी वी का स्क्वायर, तो दोनों सी का स्क्वायर भी और वी का भी अपॉन सी, तो ये जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर खत्म, ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। और फॉर्मूला ला सकते हैं क्या, तो और ला सकते हैं, इसको और मैं लिखता हूँ हाफ सी वी इंटू वी लिख देता हूँ, वी स्क्वायर को मैंने लिखा वी इंटू वी इज इक्वल टू हाफ सी वी क्या होता है, ठीक है ये वी उधर गया, सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इंटू वी, तो ये है थर्ड फॉर्मूला। तो कोई भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लो, कोई भी एक फॉर्मूला आप बाकी के फॉर्मूले उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।